तो वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हो आप? आपसे भी अभी आप लोगों के सामने हीरो का HF डीलक्स का भाई जो सेल्फ और किक स्टार्ट वाला वेरिएंट है वो मौजूद है, ठीक है। अभी आप लोगों को पता है फेस्टिव सीज़न चल रहा है, तो फेस्टिव सीज़न पर भाई इन पे अच्छे खासे डिस्काउंट्स ऑफर भी अवेलेबल किए जा रहे हैं। सभी चीज़ें आपको इसमें क्लियर कराने वाले हैं, ठीक है। इसका जो डिस्काउंट वगैरह है सिर्फ हम उसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। और बाकी जो EMIs वगैरह हैं उनको भी आप पे काफ़ी लो डाउन पेमेंट रहने वाला है, इंटरेस्ट वगैरह भी काफ़ी लो कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी आप लोगों के सामने जो ये जेड ब्लैक का कलर वेरियंट मौजूद है वो ब्लैक एंड ग्रे की फिनिशिंग वाला कलर टोन मौजूद है, आप लोग देख लीजिए। देखने में ये वाला मॉडल भी काफ़ी बढ़िया लगता है, ठीक है। आपको अच्छे प्राइस रेंज पर ये वाली बाइक फ़िलहाल दिवाली पर मिलने वाली है, ठीक है। अभी ये गाड़ी बिल्कुल अभी शोरूम पर उतरी है, ठीक है। और इसका जो भी फुल्ली एक्सेसरीज से लोडेड वेरिएंट है, एक्सेसरीज से लोडेड वेरिएंट वहाँ पर खड़ा हुआ है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके जो डिस्काउंट वगैरह की है, एक्स शोरूम प्राइस और ऑन रोड प्राइस वगैरह जो है उसके बारे में हम लोग पहले बात कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए आप लोगों को ये वाला जो HF डीलक्स का भाई, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर देखिए सेल्फ स्टार्ट है और किक स्टार्ट ये गाड़ी रहने वाली है, ठीक है। ये वाला वेरिएंट आपको एक्स शोरूम भाई 67,833 रुपये तक का पड़ जाएगा, ठीक है। यूपी की बात कर रहा हूँ मैं, यूपी के हापुड़ में 67,833 रुपये में 833 रुपये का आपको HF डीलक्स का ये भाई ब्लैक एंड ग्रे की फिनिशिंग में ये जो वेरिएंट आता है वो देखने को मिल जाएगा, जिसमें कि आपको भाई HF डीलक्स यहाँ पर सिर्फ स्टिकर्स देखने को मिलेंगे, जो भाई यहाँ पे लिखा रहता है ना 3D में, वो वाला Z ब्लैक में आपको देखने को मिलता है वो फ़िलहाल इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। टैंक पर भी आपको हीरो का सिर्फ स्टिकर्स ही देखने को मिल जाएंगे, और दिवाली डिस्काउंट पर आपको भाई इस पर 5,500 रुपये तक का भाई डिस्काउंट दिया जा रहा है, मतलब कि आप जानते हो 5,500 रुपये तक का आपको डिस्काउंट इस पर अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है। इसमें जो भी स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं वो भी सब एक बार दिखा देते हैं आपको कि आपको इसमें क्या क्या मिलने वाला है, ठीक है। सबसे पहले देख लो कि जो हेड है ना, हेड पर आपको यहाँ पर 3D में हीरो का एनवेलप देखने को मिल जाता है, ठीक है। फुल्ली बाइक हेलोजन की सेटअप के साथ आने वाली है, ठीक है। हेड में भी हेलोजन है, इंडिकेटर्स में भी हेलोजन है। इंडिकेटर्स की जो केसिंग है वो वाइट दी गई है, जो काफ़ी बढ़िया लगती है दूर से देखने में, ठीक है। जब रात को ये ब्लिंक करेंगे ना तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। और ये बिल्कुल लेटेस्ट वेरियंट है 2024 का, जो अभी शोरूम पर उतरा है, ठीक है। और देखिए फेंडर पर आपको यहाँ पर भी रिफ्लेक्टर मिल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर भी रिफ्लेक्टर मिल जाता है, ठीक है। मतलब कि अगर आप लोग एक सेल्फ स्टार्ट वाला भाई HF डीलक्स में बेहतरीन वेरिएंट लेते हो तो 5,500 रुपये तक का डिस्काउंट इसमें बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है, ठीक है। और काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। E20 कंप्लेंट ये बाइक रहने वाली है, और फ्यूल टैंक कैपेसिटी वही 9.6 लीटर तक की आपको इसमें देखने को मिल जाती है, ठीक है। और इंजन आपको पता ही है भाई, 100 CC के अंडर में ये गाड़ी आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। और एक्स शोरूम जो प्राइस है वो 67,833 रुपये हमने बताई है, ठीक है। और 5,500 रुपये तक का इस पर डिस्काउंट मिल जाता है, तो ये तो एक्स शोरूम हो गया। ऑन रोड पहले ये गाड़ी आपको कितने की मिलती थी? तो देखो जो डिस्काउंट से पहले ऑन रोड भाई ये गाड़ी एक्स शोरूम प्राइस 69,000 कुछ था, ठीक है। और जो डिस्काउंट जो ऑन रोड उस टाइम पे भाई ये गाड़ी आपको फुल्ली एक्सेसरीज़ के साथ लगभग 87,000 रुपये तक के आसपास ये मिल जाती थी, ठीक है। क्योंकि 2-3 हज़ार रुपये एक्सेसरीज़ के भी इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं, ये सुन लीजिएगा, जब दिवाली फेस्टिव सीज़न से पहले, ठीक है। लेकिन फिलहाल 5,500 रुपये का जो इस पर डिस्काउंट चल रहा है, तो इस वजह से अब जो इसका एक्स शोरूम प्राइस है वो भी आपको पता है कि 67,833 रुपये हो गया, और 5,500 के डिस्काउंट के साथ आपको इसमें 5,500 रुपये तक की भारी छूट मिलने वाली है। तो ऑन रोड आपको ये गाड़ी, मैं विदाउट एक्सेसरीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सेसरीज़ भी आप लगा लीजिएगा, लगभग आपको ये ऑन रोड 80,000 रुपये तक की मिल जाएगी। 80,000 रुपये में आप फुल्ली लोडेड बाइक ले सकते हो, ठीक है। लेकिन एक्सेसरीज़ में क्या रहता है भाई, पेड एक्सेसरीज़ वगैरह भी रहती है ना, तो उसका भी आपको थोड़ा बहुत अलग से पे करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए उसमें भाई जैसे डिस्काउंट तो आपको 5,500 रुपये तक का देखने को मिल जाएगा, लेकिन एक्सेसरीज़ में भी थोड़ी पेड़ भाई लगेगी ना, तो उसको पे करना पड़ेगा। अभी आप लोगों के सामने मैं एक बार आपको क्लियर करा देता हूँ, ये जो मॉडल खड़ा है, ठीक है, इसमें कोई भी एक्सेसरीज लोडेड नहीं है। ये सिर्फ जो कंपनी की तरफ से बाई डिफ़ॉल्ट जो भी एक्सेसरीज इसमें लगा के दी जाती हैं वो सारी इसमें एक्सेसरीज इंस्टॉल्ड हैं, और यही गाड़ी आपको 80,000 रुपये में मिल जाएगी ऑन रोड फेस्टिव सीज़न पर, ठीक है। ऑन और एक्स शोरूम प्राइस में ये आपको 67,833 रुपये पड़ जाएगी। ऑन रोड आपको भाई बिल्कुल इसी मॉडल में, मतलब कि इसी टोन में जो भी कंपनी से डायरेक्ट उतरती है उसमें भाई सेल्फ और किक स्टार्ट के साथ देखने को मिल जाएगी। आपको एक हेलमेट भी इसमें देखने को मिल जाएगा जो पेड है, ठीक है। आपको 80,000 रुपये के अंडर में भारी डिस्काउंट में 5,500 रुपये तक की छूट में ये देखने को मिल जाएगा, ठीक है। वैसे ये मॉडल अगर आप लोगे सेल्फ और किक स्टार्ट वाला और एक्सेसरीज़ के साथ, तो आपको नॉर्मली 87,000 रुपये तक के आसपास पड़ेगा,
लेकिन फिलहाल भाई काफ़ी सारे डिस्काउंट चल रहा है, इस वजह से आपको ये और अच्छी छूट मिल रही है। अब जल्द फटाफट इसके जो स्पेसिफिकेशंस वगैरह हैं वो भी इसी वीडियो में तुरंत कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो हेड हमने देख लिया है भाई, यहाँ पर भाई नॉइज इग्नोर करिएगा। हेड पे आपको देखिए ब्लैक की इतनी बढ़िया पियानो फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, ठीक है। और ब्लैक एंड ग्रे की भाई देख लीजिए यहाँ पर फिनिशिंग्स आपको देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। और देखिए टैंक आपको दिखा देते हैं, टैंक की ग्राफिक्स वगैरह देख लीजिए। ओवरऑल पूरी गाड़ी बेहतरीन रहने वाली है, पावर स्टार्ट रहने वाली, फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम आपको दिया जाता है, ठीक है। किक प्रोवाइड करी जाती है, सेल्फ के साथ आपको घड़ी मिल जाती है, ठीक है। और मीटर देख लीजिए, मीटर में भाई आपको सिर्फ जो एनालॉग मीटर है वही देखने को मिल जाता है, स्पीडोमीटर देखने को मिल जाता है, ठीक है। और जो साइड स्टैंड कट फीचर है वो देखने को मिल जाता है, न्यूट्रल लाइट देख जाती है, और हेडलाइट इमोन ऑफ और एमएल फंक्शन लाइट आपको देखने को मिल जाती है, और फ्यूलोमीटर भी आपको देखने को मिल जाता है। और इसकी अगर हम चाबी की बात करें तो देख लीजिए चाबी भी आपको नॉर्मल प्रोवाइड रहने वाली है, ठीक है, जैसा कि हीरो की आती है। चाबी भाई इसकी काफ़ी हल्की है, एक तरह से बताएं ना तो HF डीलक्स के हिसाब से भाई काफ़ी लो प्राइस रेंज के हिसाब से चाबी भी भाई वैसी ही बनाई गई है, सही लगेगी आपको। मतलब कि आपको 80,000 रुपये में और क्या चाहिए, सेल्फ के साथ आपको मिल रही है, पता है। इसके बाद तो हम इसका खाली किक वाले वेरिएंट की भी बात करने वाले हैं, ठीक है, वो कितने का आपको डिस्काउंट के साथ पड़ जाएगा, ठीक है। और ऊपर से देख लीजिए टैंक की फिनिशिंग काफ़ी बढ़िया दी गई है, डैशबोर्ड बहुत बढ़िया दिया गया है, फ्यूल कैप भी बहुत अच्छा आपको देखने को मिल जाता है, और हीरो के ग्राफिक्स आपको देखने को मिलेंगे। 3D एनवलप नहीं है, 3D में सिर्फ आपको हेड में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और भाई सीट हाइट की बात करें तो 805 mm की आपको सीट हाइट देखने को मिलती है, सीट देख लीजिए काफ़ी ब्रॉड है, ठीक है। और इस सीट का भाई कुछ नहीं है ना तो काफ़ी सॉफ्ट है, ठीक है। तो कुशन जो बात करें तो वही पूरा के पूरी कुशन सॉफ्ट है, हार्डली सॉफ्ट नहीं है, बेहतरीन सॉफ्ट आपको कुशन देखने को मिल जाता है। सीट कवर भी आपको इसमें बहुत मस्त देखने को मिलेगा। एक्सेसरी से लोडेड गाड़ी वहाँ पे खड़ी है, वो भी आपको एक बार दिखाई दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो भाई साइड पैनल है, इस पर HF डीलक्स लिखा हुआ देखने को मिलेगा, और भाई ग्रे एंड ब्लैक की फिनिशिंग के साथ ओवरऑल पूरी बाइक बढ़िया रहने वाली है। ये साइलेंसर मफलर आ गया, ठीक है। यहाँ पर आपके ये जो हाइड्रो शॉक एब्जॉर्बर्स देखने को मिल जाते हैं, जिन्हें लगभग आप भाई 2 स्टेप्स तक एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब भाई इसके टेल की बात करें, ठीक है, टेल पे देख लीजिए आप लोग, जो ग्रेवरेल है वो आपको ग्रे की फिनिशिंग में आपको देखने को मिलता है, काफ़ी बढ़िया ग्रेवरेल आपको देखने को मिल जाता है। टेल काउल देख लीजिए आप लोग पीछे से, ओवरऑल यहाँ पे हीरो लिखा हुआ देखने को मिलेगा, स्टिकिंग बढ़िया रहने वाली है। और जो भाई इसके पीछे का टेल लैंप है वो काफ़ी ब्रॉड रहने वाला है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा रात के समय आपको पीछे से भाई अगर कोई गाड़ी वगैरह आती है ब्लिंक बढ़िया देने वाले हैं। देखिए इंडिकेटर्स का केस देख लिए, वाइट है, अंदर से हैलोजन सेटअप है, बहुत बढ़िया देखने को मिल जाता है। यहाँ पे नंबर प्लेट होल्ड करने वाली क्लिप वगैरह ये देखने को मिल जाता है। और अलॉयज़ की बात करें आपको तो अलॉयज़ बता देते हैं आपको, इसमें 18 इंचज़ का आपको अलॉय देखने को इसमें मिल जाता है, ठीक है। और टायर की ग्रिप देख लीजिए काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। और टायर की बात करें तो ब्लेज कंपनी के कुछ जेके टायर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, ब्लेज जेके टायर्स, ठीक है। और चेन कवर देख लीजिए आप लोग, ठीक है, प्लास्टिक में चेन कवर आपको प्रोवाइड किया जाता है, बेहतरीन चेन कवर रहने वाला है। टेलीस्कोपिक हाइड्रो शॉक एब्जॉर्बर्स आपको देखने को मिल जाते हैं फ्रंट में, काफ़ी बढ़िया है। कॉम्बी ब्रेक सिस्टम देखने को मिल जाता है, मतलब कि आप जब एक ब्रेक मारोगे ना, पैडल ब्रेक मारोगे तो दोनों टायर एक साथ सील हो जाएंगे। तो इतना कुछ आपको इस बाइक में देखने को मिलता है जो बहुत बढ़िया लगता है, ठीक है। मात्र 80,000 रुपये में आप इस बाइक को बिल्कुल एज इट इज़ ऐसे घर ले जा सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको सभी एक्सेसरीज लोडेड चाहिए फुल्ली, जिसमें व्हील लॉक वगैरह सब कुछ चाहिए, वो आपको भाई 2,000 रुपये कुछ एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, वो 82,000 के कुछ आसपास आपको पड़ जाएगी। मैं आपको फुल्ली फिर भी बता देता हूँ, पर ये गाड़ी आप ऐसी अपने साथ घर ले जा सकते हो, ठीक है। अब एक्सेसरीज के साथ वाली दिखा देते हैं आपको, ये है इसी का भाई मॉडल है विद एक्सेसरीज के साथ, आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसमें फ़िलहाल यहाँ पर जो, ठीक है, व्हील लॉक वगैरह इसमें भी लोडेड नहीं है, अभी फुल्ली लोडेड नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि साइड जाल वगैरह, ठीक है, अभी मतलब कस्टमर के लिए गाड़ी रेडी है, अभी भी इसमें फुल्ली लोडेड नहीं है एक्सेसरीज़ के साथ। जो लोडेड वगैरह होगी तब आपको दिखा देंगे, ठीक है। अब अगर आप लोगों की कोई क्वेरी रहती है तो कमेंट कर बताइएगा, उसको रिप्लाई जरूर मिलेगा, नहीं तो मिलते किसी और वीडियो में, तब तक लिए बाय।